प्रदेश के जनपद महाराजगंज में आज एक अनोखा आंदोलन हुआ, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों ने अपने खेतों में रसोई गैस की बुआई की। साथ ही सरकार को संदेश दिया कि सरकार आय दोगुना करने और मुफ्त में रसोई गैस देने के वादे को पूरा करे। बता दें, यह मामला यूपी के जनपद महाराजगंज के ग्राम रोतार का है, जहां आज किसानों ने सरकार का ध्यान खुद की ओर आकर्षित कराने के लिए अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। ग्रामीण इकट्ठा हुए और घर घर में उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर लिया और एक खेत में पहुंचे। सरकार की नीतियों को धता बताते हुए महंगाई का विरोध अनोखे अंदाज में किया, खेतों में रसोई गैस की बुआई कर दी और नारेबाजी की। सरकार से मांग की कि महंगाई कम से कम करें, मुफ्त में रसोई गैस मुहैया कराएं। गरीब आदमी की कुल आय महीने की 1000 रुपए हो तो ऐसे में 1160 रुपए की गैस सिलेंडर कैसे खरीदी जाए। तो वहीं महिलाओं ने कहा, सरकार को महिलाओं की बहुत चिंता थी कि उन्हें लकड़ी के धुएं से कैसे बचाया जाए और स्वास्थ्य के रोगों से सुरक्षित किया जा सके। अब महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ रही है, जो सहा नहीं जा रहा है। अब सरकार अपनी सिलेंडर या तो वापस ले ले या मुफ्त में दे दे। ग्रामीणों के अनोखे अंदाज में हुए आंदोलन की जनपद भर में चर्चा हो रही है। वहीं महंगाई को लेकर इन ग्रामीणों के आंदोलन की चहू और सराहना की जा रही है। मोदी जोगी के वही सब खुंकल जाए। योगी मोगी मोदी होश में आओ। हाँ, जोगी मोदी के जब इतना महंगी कर लेना तो कैसे खाई जाई, मरल लाइन जाई, सहता कर। जोगी मोदी के ना खुशी से सब्जी तावो यही खर्ती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है। ये जब से सत्ता में आए हैं, झूठ के बदौलत से आए हैं। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आम जनमानस के लिए, लेकिन सारे वादे इनके फेल हो गए। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हुए किसानों की आय दोगुनी। अरे यहाँ तो डीएपी नहीं मिल पा रही है, समय पे यूरिया नहीं मिल पा रही किसानों को, तो कहाँ से आय दोगुनी होगी। और 15-15 लाख रुपए गरीबों खाते में आने वाले थे, आज तक गरीब बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में 15 लाख रुपये आवे, नहीं आ रहे हैं। और ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, ये जन आंदोलन है। जनता ठान ली है हमें अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जाना है।